नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका कक्षा 8वीं की नागरिक शासन कक्षा में। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का तीसरा अध्याय, हमें संसद क्यों चाहिए। बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के पश्चात आपके चेहरों पर मुस्कान आएगी। आज हम हमें संसद क्यों चाहिए का गहनता के साथ सरल अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारें कई प्रकार की होती हैं, राजतंत्र सरकारें, तानाशाही सरकारें, सैनिक शासन और लोकतंत्र सरकारें। बच्चों, आप सभी ने महाभारत रामायण आदि में देखा होगा कि किस प्रकार से राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है और प्रजा के सभी प्रशासनिक कार्यों को एकमात्र राजा ही पूरे करता है। कहीं कहीं पर राजा अपने मंत्रिमंडल से परामर्श करता नजर आता है, परंतु अधिकतर राजतंत्र में राजा अपनी मर्जी से शासन करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, तानाशाही तंत्र में, जैसा कि आपने सद्दाम हुसैन, गद्दाफी या दक्षिण कोरिया के किम जोंग का नाम सुना होगा, ये तानाशाह बिना किसी परामर्श के जनता के ऊपर जबरदस्ती कानून थोपते हैं और अपनी मन मर्जी करते हैं। इसी प्रकार से यदि सैनिक तंत्र की बात करें तो बच्चों, हिटलर, नेपोलियन या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हम देखें परवेज मुशर्रफ जैसे सैनिक तानाशाह, जिन्होंने अपने दम पर वहां पर अपनी मन मर्जी का शासन चलाया है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र ही एक ऐसा सरकार तंत्र है जिसमें लोगों की सहभागिता शामिल होती है। बच्चों, यह लोगों की ऐसी सरकार है जो लोग अपने लिए खुद अपने द्वारा एक निश्चित समय अवधि के लिए अपनी सहभागिता से चुनते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय है अध्याय का, वो हमें संसद क्यों चाहिए, तो इसके ऊपर आइए अब हम अपने देखते हैं कि संसद किस प्रकार से किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है और संसद किन लोगों से मिलकर बनती है और लोकतंत्र में इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है। बच्चों, लोगों की सहमति और सहभागिता ही वो तत्व हैं जो इसे सबसे लोकप्रिय सरकार के रूप में बनाते हैं। बच्चों, लोगों की सहभागिता और सहमति की अभिव्यक्ति हमें संसद के रूप में देखने को मिलती है। लोकतंत्र में संसद बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बच्चों, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत देश में हमने आज़ादी के साथ ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया तथा अपनी सरकार खुद चुनने का निर्णय संविधान के माध्यम से वचनबद्धता के साथ शुरू किया। बच्चों, आखिरकार संसद क्या है और इसकी हमें जरूरत क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर को जानने से पहले हम थोड़ी नजर इतिहास पर डालेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों, आप सभी को यह पता है कि हमारा देश लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, जिसमें भारत के लोगों के ऊपर भारतीयों की बिना सहमति व सहभागिता के अंग्रेजी सरकार अपनी इच्छा से कानून और शासन करती थी। या इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि भारत के लोगों पर कानून व शासन को बलपूर्वक थोपा जाता था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में
19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों 1885 से हम अपने लिए सरकार में सहभागिता की मांग उठाते हैं तथा 20वीं शताब्दी के शुरू में 1909 के भारत सरकार अधिनियम में कुछ कामयाबी भी हासिल होती दिखाई देती है, परंतु यह मात्र सहयोग व सहभागिता की शुरुआत थी। पूर्ण कामयाबी अभी बहुत दूर थी, क्योंकि अभी भी चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। सदस्यों को चर्चा में भाग तो लेने दिया गया, परंतु निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं बनाया गया था। बच्चों, जैसा कि हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी ने राष्ट्रवादी नेताओं को यह विश्वास दिला दिया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। जब हमें 1947 में स्वतंत्रता मिलने वाली थी, तो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से ही पूरे देश से सहभागिता व हिस्सेदारी को शुरू किया तथा जिससे हमारे संविधान ने हमारे संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं को ठोस रूप ग्रहण कर लिया। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अभिप्राय देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार है। बच्चों, इतिहास की इस चर्चा से आशा है आपको शासन प्रणाली की जानकारी मिल गई होगी। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में लोगों की हिस्सेदारी होती है, तो क्या सभी लोग शासन प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं? हालांकि यह असंभव तो नहीं है, परंतु भारत जैसे विशाल देश में बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत में शासन प्रक्रिया में लोग अपनी हिस्सेदारी या सहमति कैसे देते हैं। बच्चों, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। बच्चों, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है तथा यहीं से संसद का रूप हमारे सामने आता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। संसद चुने हुए लोगों का यह समूह है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की रीढ़ और जड़ दोनों है। बच्चों, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। बच्चों, इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। बच्चों, अब हम भारत की संसद जो दिल्ली में स्थित है की संरचना की बात करेंगे। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, जिसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी सदन है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। यह अस्थायी सदन या निम्न सदन भी कहलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आइए संसद की भूमिका पर चर्चा करें। बच्चों, आज़ादी के बाद
गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आम तौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, पूरे देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। बच्चों, दिए गए नक्शे में आप देख पाएंगे कि कुल सीटें 543 हैं, सामान्य वर्ग में 412, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद, जिसे हम एमपी भी कहलाते हैं, इन सांसदों को मिलकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। आइए अब हम संसद के कार्यों पर नज़र डालते हैं। बच्चों, संसद का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना है। भारतीय संसद में, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। पहला सदन राज्यसभा, जिसे हमने ऊपरी सदन और स्थायी सदन के रूप में पहले भी पढ़ा है, और दूसरा सदन लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है, या यूं कहें कि यही कार्यपालिका सरकार कहलाती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। 1990 से 2014 तक के सालों में यदि हम देखें तो काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत मिलता नज़र नहीं आता। बच्चों, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी होता है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। अब हम संसद के ऊपरी सदन, जो कि एक स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा का थोड़ा सा वर्णन करेंगे। बच्चों, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, और अगर जरूरत हुई
तो उनमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। बच्चों, इन तस्वीरों में आप केंद्रीय सचिवालय की इमारतें देख रहे हैं। दो मुख्य इमारतें, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाई और साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाई और नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। बच्चों, संसद का अगला महत्वपूर्ण कार्य सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना है। बच्चों, संसद अपना यह कार्य अपने सत्र के माध्यम से करती है। बच्चों, यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसद के सभी सदस्य सरकार में नहीं होते। जो सदस्य सरकार में नहीं होते, वो जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें शामिल होकर के सरकार से विभिन्न विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर इसको नियंत्रित करते हैं और सरकार का मार्गदर्शन भी करते हैं। बच्चों, संसद के सत्र में सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। बच्चों, अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये एक संसद में पूछे गए प्रश्न का एक उदाहरण है जो लोकसभा में दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए आया था। तो इसका जो शीर्षक है, बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। बच्चों, यहाँ पर एक सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया अपना प्रश्न पूछ रहे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क ख ग, तीन प्रश्न उन्होंने यहाँ पर किए हैं। क, क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है। ख, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। बच्चों, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं जो इसका उत्तर देते हैं। क से ग तक उत्तर देखिए। मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, नंबर दो शिक्षा एवं विकास, संरक्षण और भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती है। बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से
क्या जानकारी मांगी जा रही है, यह अपनी पुस्तक में लिखकर अपने अध्यापक से विमर्श करें और यह भी लिखें कि अगर आप सांसद होते तो और कौन कौन से सवाल पूछ सकते थे। तो बच्चों, हम देखते हैं कि सांसदों के प्रश्नों से सरकार भी महत्वपूर्ण फीडबैक लेती है, इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उनको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। बच्चों, संसद का अगला महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है, जिसके आधार पर पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है। आइए अब हम देखते हैं कि संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं, जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 65 सालों में चुनावों में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि के बाद प्राय स्थिर रही है। देखने में आया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं, आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। अब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इस चित्र में कुछ महिला सांसद दिखाई पड़ रही हैं। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा जरूर करें। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब है पूरे देशवासियों का समर्थन, और समर्थन तभी होगा जब सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में होगा। लोग
तभी कानूनों को मानेंगे जब उन्हें उनमें आस्था होगी कि वह उनके हित के लिए हैं। बच्चों, तो इस पाठ में हमने संसद के बारे में जाना कि संसद क्या है, क्यों बनाई गई है। हमने यह भी चर्चा की कि संसद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, संसद संपूर्ण बहुमत और गठबंधन सरकार क्या होती है, कैसे काम करती है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए। नीचे कुछ कथनों में से आपको सही कथन चुनकर उत्तर में लिखना होगा। नीचे लिखे कथनों में से सही कथन को चुनकर उत्तर दें। क, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। ख, इससे सभी नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। ग, लोकतंत्र में नागरिकों की हिस्सेदारी आवश्यक नहीं है। घ, चुनाव आम लोगों के बिना भी हो सकते हैं। बच्चों, इसका उत्तर क और ख है। प्रश्न, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए या विद्यार्थियों द्वारा। सही कथन चुने। क, जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उसे विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह चुनाव उनकी पसंद का नहीं है। ख, क्लास मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थियों द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक होगा। ग, जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उसे वह सहयोग भी करेंगे क्योंकि वह उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि है। घ, विद्यार्थी मॉनिटर चुनने के लिए अभी छोटे हैं। बच्चों, इसका उत्तर ख और ग है। अगला प्रश्न है, विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। सही कथन चुने। क, विधानसभा के सदस्यों को चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ख, इसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, इसे सांसद कहते हैं। ग, यह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। घ, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक कहलाता है जो 5 साल के लिए चुना जाता है। बच्चों, इसका उत्तर क और घ है क्योंकि विधायक सांसद नहीं होते और ना ही वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे, आपको सही विकल्प को सही जगह पर लिखना होगा। क, राज्य विधानसभा, पहला विकल्प, सदस्य पूरे देश से चुनकर आते हैं। दूसरा विकल्प, चुने हुए विधायकों से बनती है। ख, लोकसभा, तीसरा विकल्प है इसके लिए, इसके सदस्यों को सांसद कहते हैं। चौथा, सदस्य उसी विशेष राज्य से चुनकर आते हैं। बच्चों, इसका उत्तर क के लिए 2 और 4 है क्योंकि क में राज्य विधानसभा है और विकल्प 2 चुने हुए विधायकों से बनती है और विकल्प 4 सदस्य उसी विशेष राज्य से चुनकर आते हैं। ख के लिए लोकसभा में विकल्प पहला और तीसरा है क्योंकि पहले विकल्प में हम देखते हैं सदस्य पूरे देश से चुनकर आते हैं और तीसरे विकल्प में लिखा है इसके सदस्यों को सांसद कहते हैं। अगले प्रश्न में नीचे कुछ विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं, ये इनके सामने लिखना है। क, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। ख, मध्य प्रदेश के बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा।
ग अजमेर और मैसूर के बीच एक रेलगाड़ी चलाई जाएगी। घ हजार रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। बच्चों, यहाँ इनके उत्तर जानने के लिए हमें इन्हें फिर देखिए क में लिखे गए वाक्य को दोहराना होगा। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। यह कार्य पूरे देश से संबंधित है जो केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है, अतः इसका उत्तर केंद्र सरकार है। ख मध्य प्रदेश के बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाए या ना, यह निर्णय वहां की राज्य सरकार ही करेगी क्योंकि यह मध्य प्रदेश से ही संबंधित कार्य है, तो इसका उत्तर है राज्य सरकार। ग अजमेर और मैसूर के बीच एक रेलगाड़ी चलाई जाएगी। बच्चों, यह अंतरराज्यीय एक निर्णय है जो केंद्र सरकार के द्वारा ही लिया जाता है, तो इसका उत्तर है केंद्र सरकार। घ हजार रुपये का नोट नया जारी किया जाएगा। यह कार्य भी पूरे देश से संबंधित है और पूरे देश से संबंधित कार्यों को करने के लिए केंद्र सरकार ही उत्तरदायी होती है, तो इसका उत्तर है केंद्र सरकार। बच्चों, अब हम लोकतंत्र के ऊपर एक अनुच्छेद देखेंगे जिसमें कुछ खाली स्थान विकल्पों के साथ आपके समक्ष होंगे। आपको अपने उत्तर में इन सही विकल्प से उस खाली स्थान को भरना है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग, खाली स्थान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं रखते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने खाली स्थान, प्रतिनिधियों या शासकों को चुनते हैं। ये खाली स्थान राजा या विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में किसी ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को खाली स्थान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या चुनाव लड़ने न देती हो। बच्चों, इसके उत्तरों में यदि हम पहले खाली स्थान के विकल्पों को देखें, प्रत्यक्ष रूप से, उत्तर है प्रत्यक्ष रूप से। यदि हम दूसरे खाली स्थान को देखें तो उसमें प्रतिनिधियों, और तीसरे खाली स्थान में विधायक, और चौथे का उत्तर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बच्चों, अगला प्रश्न है, निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव कुछ समय के लिए क्यों किया जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं किया जाता। आपको क और ख दो विकल्प दिए जा रहे हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इन जानकारियों के आधार पर आपने सही विकल्प का चुनाव करके अपने उत्तर में लिखना है। क विकल्प, जीवन भर के लिए चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है। निश्चित समय के लिए चुनाव लोगों को यह जांचने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। निश्चित समय के चुनाव में यह भय रहता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो अगली बार उन्हें हटाया भी जा सकता है। विकल्प ख, जीवन भर का चुनाव उन्हें अधिक सक्षम बना देगा, समस्याओं को समझने में काबिल होंगे, बार बार चुनाव से समय की बचत होगी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है विकल्प क। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इस पूरी चर्चा में हमने संसद के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। संसद क्या होती है, संसद के क्या कार्य हैं, लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, कौन लोग इसके सदस्य होते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरी चर्चा से, इस पूरे अध्याय के अध्ययन से अपने संसद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप अब इस काबिल हुए होंगे कि आप अपने बड़ों से या अपने अध्यापक से यह पूछ सकते हैं कि आप किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आप अपने प्रतिनिधियों के बारे में भी जान सकते हैं और आप यह भी देख पाएंगे कि आपके प्रतिनिधि कितना संसद के सत्र में बोलते हैं और आप लोगों के बारे में
कितना आपका ध्यान रखते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की ये वीडियो, हमें संसद क्यों चाहिए। बच्चों, वीडियो को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।